हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम जो यस्टरडे का जो पेपर हुआ है उस पेपर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पेपर डिस्कशन विल बी देयर इन द टुडेज लेक्चर। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर थ्रू विच लाइन ऑफ फोर्स इमर्जेस इज। ओके, अभी देखिए, मैंने ये आपको बताया था एप्लीकेशंस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट में, ए बार डॉट ए बार। ए बार डॉट ए बार क्या रहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता है। एंड देयरफॉर आंसर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज। अभी एंगुलर मोमेंटम एल बार इज इक्वल टू क्या रहता है? आर बार क्रॉस पी बार रहता है। L bar is equal to R bar cross P bar रहता है, so this is a cross product. Moment of force को ही हम torque बोलते हैं, and tau bar is equal to R bar cross F bar होता है, R bar cross F bar. Therefore this is also a cross product. After that, linear velocity in terms of angular velocity, linear velocity phi bar is equal to रहता है omega bar क्रॉस आर बार, एंड देयर फॉर लीनियर वेलोसिटी इज ऑल्सो ए क्रॉस प्रोडक्ट। आफ्टर दैट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्फेस ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहता है? फ्लक्स इज बी बार डॉट ए बार रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई बार डॉट ए बार रहता है, ओके, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स बी बार डॉट ए बार रहता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए? एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट शुड बी ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें से आपको स्केलर क्वांटिटी कौन सा है वही ओनली आइडेंटिफाई करना था। अभी एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर है, लीनियर वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर, बट मैग्नेटिक फ्लक्स इज ओनली स्केलर। यहाँ पे बी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन रहता है, मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर उसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर राइट एंगल टू ईच अदर देन। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? जीरो रहता है। So a bar dot b bar should be equal to zero. So third question का a answer आ जाएगा. Okay? Next, constant force of 2i cap plus 3j cap plus 5k cap newton produces displacement of 3i cap plus 2j cap plus 2k cap meter. The work done is. तो हमने ये already study किया है. क्या स्टडी किया है? एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट स्टडी किया है, एंड उसमें दिया गया है कि वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पे फोर्स वेक्टर कौन सा है? देखिए, दिस इज द फोर्स वेक्टर है एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इन दो वेक्टर का हमें क्या करना है? ओनली डॉट प्रोडक्ट लेना है, दैट्स ऑल। वर्क डन निकलना है मतलब फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अभी डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? देखिए, आई आई का मल्टीप्लीकेशन, जे जे का मल्टीप्लीकेशन एंड के का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे 2 × 3 मतलब कितना आता है? 6 आता है। आई कैप डॉट आई कैप तो 1 ही होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एंड 5 × 2 मतलब कितना हो जाएगा? 10। सो आंसर आ जाएगा 6 + 6 + 10 मतलब 12 + 10 That is equal to 22. So answer आ जाएगा, C will be the answer. Next, the angle between P bar and Q bar. तो angle निकालने के लिए हम क्या use करते हैं? Dot product use करते हैं. And angle निकालने के लिए formula आपको पता होना चाहिए. Cos theta is equal to P bar dot Q bar upon PQ. करेक्ट है ना?
एंगल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी रहता है ना, उसी तरह से क्या हो जाएगा, पी बार डॉट क्यू बार अपॉन पी क्यू। तो उसके लिए पहले हमें P का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अभी P का मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, देखिए स्क्वेयर रूट ऑफ 3 का स्क्वेयर 9 प्लस यहाँ पे नहीं है मतलब 1 होता है, 1 का स्क्वेयर 1 एंड 2 का स्क्वेयर 4, मतलब यहाँ पे आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ कितना, स्क्वेयर रूट ऑफ 14 आता है। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ P, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q कितना होता है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ आई के साथ यहाँ पे कितना नंबर है, 1 का स्क्वेयर तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद जे के साथ -2 है तो -2 का स्क्वेयर मतलब 4 हो जाएगा प्लस 9, तो ये कितना आता है, ये भी रूट 14 ही आता है। ये हो गया पी का मैग्नीट्यूड एंड क्यू का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी देखिए P बार डॉट Q बार मतलब I I का मल्टीप्लीकेशन, J J का मल्टीप्लीकेशन एंड K K का मल्टीप्लीकेशन रहता है, करेक्ट है ना। तो 3I into 1I मतलब 3 into 1 मतलब 3 बनेगा ना। उसके बाद 1 into -2 मतलब -2 बनेगा, प्लस 3 into 2 मतलब 6 बनेगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे k का कितना है 2 है, 3 इंटू 2 6, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद p का मैग्नीट्यूड है रूट 14 इंटू q का मैग्नीट्यूड भी रूट 14 है, तो यहाँ पे cos theta is equal to कितना होता है, देखिए न्यूमरेटर पर 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 2 मतलब 7 आता है, रूट 14 इंटू रूट 14 मतलब 14 आता है, सो 7 बाय 14 मतलब 1/2। So cos theta is equal to 1 रहता, 1/2 है, and cos 60 is equal to 1/2 रहता है ना, cos 60 is equal to 1/2 रहता है, मतलब theta कितना होना चाहिए, 60 degree होना चाहिए, so that is the answer. Next question number 6, what is the dot product of two vectors of magnitude 3 and 5 if angle between them is 60 degree? अभी dot product का formula आपको पता है, that is a bar dot b bar is equal to a b cos theta रहता है ना, a b cos theta। तो यहाँ पे a का magnitude कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, into b का magnitude है 5 into cos of 60, तो यहाँ पे 5 3s are 15 इंटू कॉस 60 मतलब 1/2, तो आंसर आता है 7.5, ये इतना आंसर आ जाएगा 7.5, ठीक है। उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, ओके किसी भी वेक्टर का उसी के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमेशा जीरो ही आता है, जीरो आता है, करेक्ट है ना। एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज, अभी इन सभी के थोड़ा सा मुझे फॉर्मूले बताइए, पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, पावर क्या रहता है, देखिए पावर मैंने आपको बताया है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है। उसके बाद टाउ बार का फॉर्मूला क्या रहता है, टाउ बार इज आर बार क्रॉस एफ बार, ओके। उसके बाद डब्ल्यू इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ F bar dot S bar and electric flux is dot product of electric intensity, it is a dot product of electric intensity and area vector, तो यहां पे आंसर आ जाएगा टॉर्क। इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, बोलिए क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा स्केलर रहता है कि वेक्टर रहता है, बताइए वेक्टर रहता है, तो इसमें से आपको वेक्टर कौन सा है वही ओनली आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट है ना। पावर स्केलर होता है, टॉर्क वेक्टर होता है, वर्क इज स्केलर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर, तो आंसर तो टॉर्क ही आ जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे ए बार क्रॉस बी बार हमें निकालना है, ए बार क्रॉस बी बार,
ए बार क्रॉस बी बी बार हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट आई जे के। उसके बाद यहाँ पे ए बार का सब कुछ लिखेंगे, ए बार का यहाँ पे माइनस टू थ्री माइनस फोर, उसके बाद थ्री माइनस फोर फाइव, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आई कैप इन ब्रैकेट, आई कैप इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे और के कॉलम का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो थ्री इंटू फाइव 15 माइनस माइनस 4 इंटू माइनस 4 मतलब प्लस 16, उसके बाद माइनस जे कैप लिखना है इन ब्रैकेट 2 इंटू माइनस 2 इंटू 5 मतलब माइनस 10, उसके बाद माइनस 4 इंटू 3 मतलब माइनस 4 इंटू 3 मतलब माइनस 12, ओके। उसके बाद प्लस के कैप इन ब्रैकेट प्लस के क्या इन ब्रैकेट, अभी आई एंड जे कॉलम का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस टू इंटू माइनस फोर मतलब ये हो जाएगा माइनस टू इंटू माइनस फोर मतलब प्लस एट हो जाएगा, एट माइनस अभी थ्री इंटू थ्री नाइन करना है, तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, 15 माइनस 16 मतलब माइनस वन, माइनस वन आई कैप हो गया। उसके बाद माइनस 10 एंड प्लस 12 हो जाएगा ना, माइनस 10 प्लस 12 मतलब 12 माइनस 10 मतलब 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस 2 जे कैप, एंड यहाँ पे 8 माइनस 9 मतलब माइनस 1, सो माइनस 1 के कैप, दैट इज माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, सो आंसर विल बी लास्ट आंसर, ओके। एनी डाउट इन दिस केस, कुछ डाउट है क्या बोलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 10 हमें सॉल्व करना है। अभी देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द साइड ऑफ ए बार एंड बी बार इज, तो ये क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद उसका हाफ करना पड़ता है, सो आंसर डी आ जाएगा। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर, अभी यहाँ पे पैरेललोग्राम के दो साइड्स दिए गए हैं तो इसका एरिया निकालना है, तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था कि ये दो साइड का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, पैरेललोग्राम के दो साइड का, दो साइड के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमें क्या मिलता है, उसका एरिया मिलता है। तो यहाँ पे वंस अगेन क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, सपोज ये ए बार है एंड सपोज दिस इज बी बार, ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद आई कैप मतलब क्या है, वन टू थ्री है एंड वन माइनस थ्री वन है, तो यहाँ पे अभी देखिए आई कैप इन ब्रैकेट, आई कैप इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, देखिए टू इंटू वन दैट इज टू एंड माइनस थ्री इंटू थ्री, ये पहले यहाँ पे माइनस लिखूंगा, उसके बाद माइनस थ्री इंटू थ्री मतलब माइनस नाइन हो जाएगा, उसके बाद माइनस जे कैप लिखना है, माइनस जे कैप लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वन इंटू वन मतलब वन आ जाएगा, माइनस थ्री इंटू वन मतलब थ्री आ जाएगा, प्लस के कैप इन ब्रैकेट, ओके वन इंटू माइनस थ्री मतलब माइनस थ्री आ जाएगा माइनस, ठीक है सॉरी के कैप लेते वक्त इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट,
तो यहाँ पे देखिए फाइनल क्या आ जाएगा, 11i cap + 2j cap - 5k cap आ जाएगा, करेक्ट है ना। तो ये आ जाएगा हमारा a बार क्रॉस b बार, a बार क्रॉस b बार आ जाएगा। अभी a बार क्रॉस b बार निकालने के बाद इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, एंड मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में आंसर नहीं है, स्केलर फॉर्म में आंसर है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अभी इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस फाइव का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो स्क्वायर रूट में अभी देखिए 121 प्लस 4 125, एंड 125 प्लस 25 मतलब 150 हो जाएगा, रूट 150। सो देयरफॉर आंसर आ जाएगा बी विल बी द आंसर। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज कॉल्ड एज, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलते हैं हम, कंपोजिशन ऑफ फैक्टर। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर, ओके, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, करेक्ट है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अभी देखिए टाइम यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कौन सा क्वांटिटी है बताइए, इलेक्ट्रिक करंट इज टेंसर क्वांटिटी, करेक्ट, ओके। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी स्केलर, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो यहाँ पे फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आंसर फोर्थ आ जाएगा। एनी डाउट इन दिस केस, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी द वेक्टर, और बाकी के ये तीनों क्या आ जाएंगे, स्केलर, टेंसर एंड स्केलर आ जाएंगे। सरफेस टेंशन इज विच क्वांटिटी, सरफेस टेंशन तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर किसी को माइक अनम्यूट करके डाउट पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है, माइक अनम्यूट करके भी डाउट्स यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन सभी को अपना अपना माइक म्यूट करना पड़ेगा जब आपका कोई डाउट नहीं है तो, ठीक है। Which of the following is scalar quantity? देखिए temperature is a scalar quantity, so answer first will be the correct. After that, moment of force. Gravitational constant. ये तो एक number है, okay? Scalar quantity उसको बोल सकते हैं हम. Gravitational constant number with unit है. तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। मोमेंट ऑफ फोर्स तो वेक्टर रहता है, मोमेंट ऑफ कपल भी वेक्टर रहता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इसी को ही टॉर्क बोलते हैं, एंड मोमेंट ऑफ कपल को भी टॉर्क ही बोलते हैं, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट कौन सा है, स्केलर प्लस वेक्टर is equal to scalar divided by vector, so this is completely incorrect. Vector by vector, vector का division कभी भी नहीं कर सकते, so this is incorrect. Scalar by vector, vector denominator पर कभी भी नहीं रहता, so this is incorrect. And vector minus vector is another vector, so this is correct. Vector is not changed if, अभी vector change नहीं होना चाहिए, वेक्टर चेंज कब नहीं होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहना चाहिए एंड डायरेक्शन भी वैसा ही रहना चाहिए। अभी किसी वेक्टर को जब हम रोटेट करेंगे, सपोज इनिशियल वेक्टर ऐसा है एंड उसको इस इनिशियल पॉइंट से हमने रोटेट किया, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, तो रोटेट करने के बाद वेक्टर चेंज होता है। उसके बाद वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद हमें अनदर वेक्टर मिलता है, ओके, विच इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेक्टर्स, तो ये भी नहीं आ सकता। एंड
इट इज स्लाइड, एक्चुअली ये वर्ड स्लाइड होना चाहिए, स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। अभी देखिए इनिशियल वेक्टर ऐसा है सपोज, एंड इसको यहां से यहां मैंने क्या किया, स्लाइड किया, तो स्लाइड करने पर उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है, तो वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। सो 17 का आंसर आ जाएगा लास्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैन बी स्प्लिट आर, किसी भी वेक्टर के हम कितने कंपोनेंट निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कंपोनेंट निकाल सकते हैं। एंड यहां पे अगर रेक्टेंगुलर वर्ड होता, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो आंसर क्या आ जाता था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालना है तो, हाँ अगर वेक्टर प्लेन में है तो 2 निकाल सकते हैं एंड स्पेस में है तो 3 निकाल सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 19, द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स। तो यहां पे देखिए कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है, इक्वल टू दैट वेक्टर और लेस देन दैट वेक्टर रहता है, करेक्ट है ना। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट कितना रहता है, आइदर इक्वल टू दैट वेक्टर रहता है या फिर उससे कम होता है। अभी एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, अभी रिजल्टेंट मतलब अनेक वेक्टर का वेक्टर एडिशन रहता है, तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कैसा रहेगा, ये इक्वल टू और लेस देन रहेगा, ज्यादा तो कभी भी नहीं रह सकता। इक्वल टू सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और स्मॉलर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, ओके। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए सेवरल वेक्टर ग्रेटर तो नहीं आ सकता, स्मॉलर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स आ सकता है, स्मॉलर देन। तो यहां पे आंसर 2 आता है एंड 4 भी आता है, 2 एंड 4 में बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि कंपोनेंट कैसा रहता है, लेस देन और इक्वल टू रहता है कंपोनेंट हमेशा, कंपोनेंट कैसा रहता है, लेस देन और इक्वल टू दैट वेक्टर्स। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स रह सकता है, ओके। इसमें भी सेकंड ऑप्शन ज्यादा करेक्ट रहेगा, फिर भी फोर्थ ऑप्शन भी हम ले सकते हैं, ठीक है। सो 19 नंबर में 2 एंड 4 2 ऑप्शंस में भी करेक्ट। उसके बाद नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, फिगर शोज ओरिएंटेशन ऑफ टू वेक्टर्स यू एंड फी इन एक्स वाई प्लेन, इफ यू इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड फी इज इक्वल टू पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट कौन सा रहेगा। अभी देखिए यू बार वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, यू बार, तो इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अभी u का x कंपोनेंट a है, तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगा वो a रहेगा, a इस तरह से रहेगा। एंड u का j कंपोनेंट मतलब y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, b है, तो अभी ये देख सकते हैं a पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये टुवर्ड्स राइट है, एंड b कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, सॉरी बी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि अपवर्ड है, ठीक है। उसके बाद फी बार वेक्टर इस तरह से है ना, फी बार डायग्राम में देखिए, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा। फी के दो कंपोनेंट क्या है, पी एंड क्यू, सो ये पी रहेगा एंड वाई डायरेक्शन में क्यू रहेगा, तो यहां पे पी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एंड क्यू कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा क्योंकि वो डाउनवर्ड है ना। जनरली हम कैसे करते हैं, टूवर्ड्स राइट को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव रहते हैं लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी एंड पी विल बी पॉजिटिव एंड क्यू विल बी नेगेटिव, सो आंसर 2 विल बी करेक्ट। समझ में आया, कुछ डाउट है क्या, बोलिए। अगर किसी क्वेश्चन को रिपीट करना है तो वो भी बोलिए।
19th क्वेश्चन का रिपीट चाहिए ना, 19th एंड 20 रिपीट चाहिए, ठीक है दोनों को रिपीट करता हूं। देखिए एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, अभी कंपोनेंट कैसा रहता है, देखिए लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फैक्टर रहता है, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट क्या रहेगा, स्मॉलर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर्स रह सकता है ना, ओके स्मॉलर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। इसके लिए क्या करेंगे, एग्जांपल ले लेंगे, सपोज ये फर्स्ट वेक्टर है 20 न्यूटन का है एंड दिस इज सेकंड वेक्टर है फॉर एग्जांपल 30 न्यूटन्स। अभी इन दो वेक्टर का एडिशन कितना हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड का एडिशन कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का एडिशन 50 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मैं अभी एक्स कंपोनेंट निकालता हूं, 20 का एक्स कंपोनेंट 20 से कम होगा ना, सपोज कितना है, सपोज ये आता है 18 एंड 30 का भी एक्स कंपोनेंट मैंने निकाला तो ये सपोज कितना आता है, ये सपोज आता है 20। कंपोनेंट कम रहता है या फिर इक्वल टू दैट फैक्टर रह सकता है, अगर ये 20 एक्स डायरेक्शन में ही है तो कंपोनेंट 20 आ सकता है ना अगर एक्स डायरेक्शन में है, और 30 भी अगर एग्जैक्टली एक्स डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, तो उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट एज इट इज 30 रहेगा ना। तो अभी देखिए रिजल्टेंट का मतलब यहां पे देखिए एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कितना रहेगा, 20 प्लस 18 मतलब 38, और एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कितना रहता है, 50 भी रह सकता है अगर दोनों एक्स डायरेक्शन में एग्जैक्टली वेक्टर्स है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब एडिशन करना है ना, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट क्या रहेगा, स्मॉलर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम कितना है, 50 है, 50 से कम रहेगा या फिर इक्वल टू 50 रह सकता है एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, करेक्ट है ना, समझ में आ रहा है क्या। देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, लेस देन नहीं इक्वल भी हो सकता है ना, इक्वल भी, सपोज मैंने ऐसा लिया एक 50 न्यूटन का सपोज फोर्स है एंड इट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन ओनली, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा 50 एंड वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा 0, करेक्ट है ना। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट क्या रहता है, इक्वल टू दैट फैक्टर और लेस देन दैट फैक्टर, अगर 50 न्यूटन ऐसा है 50 न्यूटन इंक्लाइंड है तो इसका कंपोनेंट कम आ जाएगा एक्स कंपोनेंट, लेकिन 50 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस ओनली है तो 50 न्यूटन का कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन 50 ही आ जाएगा, देखिए इक्वल टू सम ऑफ एक्स कंपोनेंट, इक्वल टू द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स, ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, देखिए सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऐसा बोला है, सम ऑफ एक्स कंपोनेंट सपोज एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है एंड दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका सपोज ये 50 है तो इसका कंपोनेंट सपोज 40 हो गया एक्स कंपोनेंट, ये सपोज 60 है एंड इसका सपोज एक्स कंपोनेंट 50 हो गया, इंक्लाइंड है तो थोड़ा सा कम आ जाएगा ना, तो यहाँ पे रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये दो एक्स कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो 50-40 मतलब 10 आ जाएगा रिजल्टेंट, तो एडिशन नहीं हो सकता यहाँ पे, 90 तो नहीं आ सकता ना, इक्वल टू सम ऑफ एक्स कंपोनेंट नहीं हो सकता, सेम डायरेक्शन में है तभी हम सम कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 10 लेकिन 60 प्लस 50 का एडिशन 110 होता है ना, तो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हमेशा ये कम ही रहता है, सो मे बी स्मॉलर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ सकता, इक्वल टू सम हमेशा सम रहेगा क्या, अगर दोनों एक्स कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है तो उनका सम कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक्स कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका सम नहीं कर सकते ना, सो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ सकता, एंड मे बी इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आ सकता है, अगर दोनों वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है तो ये आ सकता है फोर्थ ऑप्शन,
देखिए फोर्थ का आंसर कैसा आ जाएगा, अगर फर्स्ट वेक्टर 50 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन में एक अलोंग एक्स एक्सिस है, सेकंड वेक्टर 40 न्यूटन अलोंग एक्स डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड का एडिशन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 50 का एक्स कंपोनेंट 50 ही आ जाएगा एंड 40 का एक्स कंपोनेंट भी 40 ही आ जाएगा। तो 40 + 50 मतलब क्या आ सकता है, 90 आ सकता है ना, 90 आ सकता है, तो इक्वल टू भी आ सकता है। ये इफ फैक्टर्स आर इन एक्स एक्स डायरेक्शन ओनली है तो ऐसा ही हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वन 20 को भी थोड़ा सा रिपीट करता हूं। देखिए 20, देखिए सपोज यहां पे यू वेक्टर कैसा दिया है, इस डायरेक्शन में दिया गया है ये यू। अभी यू का कंपोनेंट ऐसा ही आ जाएगा ना, ये एक कंपोनेंट हो जाएगा, ये दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा, ये दो कंपोनेंट यू के आ जाएंगे। ठीक है, अभी दिया है यू बार इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप दिया गया है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा नहीं, एंड ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी ए एंड बी डायग्राम देख के बताइए, ए एंड बी दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे ना, लेकिन फी बार कैसा है, देखिए फी बार इस डायरेक्शन में फी बार है, तो मैंने एक्स एंड वाई डायरेक्शन ऐसा निकालना, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस, तो यहाँ पे फी के दो कंपोनेंट, एक टूवर्ड्स राइट आ जाएगा, दूसरा डाउनवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, फी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना पी है, ये क्यू है फी के कंपोनेंट। अभी पी क्या है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव रहेगा, एंड क्यू कैसा है, इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है ना क्यू, तो वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, यू के दो कंपोनेंट, एक इधर आ जाएगा दूसरा ऊपर आ जाएगा। समझ में आया क्या, देखिए सपोज अभी इसके बारे में और एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं। ठीक है, सपोज आप ही मुझे अभी आंसर दीजिए, सपोज एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो इसके दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव रहेंगे कि नेगेटिव रहेंगे, आप ही बताइए। वेक्टर ऐसा है तो दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, दूसरा ऐसा वेक्टर निकाला, इसके बताइए अभी कंपोनेंट कैसे रहेंगे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कैसा रहेगा सेकेंड वेक्टर का, एक ऊपर आ जाएगा ना एंड दूसरा इधर आ जाएगा, तो कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव रहेगा। हाँ करेक्ट, एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव रहेगा। अगर एक वेक्टर ऐसा दिया गया है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ऐसा दिया गया तो क्या हो जाएगा, बोथ नेगेटिव, क्योंकि एक इधर आ जाएगा दूसरा इधर आ जाएगा ना, ऐसा कंपोनेंट दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। एंड सपोज एक वेक्टर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, यहाँ पे x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, सो y विल बी नेगेटिव, करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यही इस प्रॉब्लम में ढूंढना था आपको। अभी देखिए नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस कैन नॉट एक्सीड, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन नॉट एक्सीड, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन नॉट एक्सीड अल्जेब्रिक सम ऑफ टू फोर्सेस, सो सेकंड आंसर करेक्ट आ जाएगा इसका, क्योंकि किसी भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट उनके अल्जेब्रिक सम से ज्यादा नहीं आ सकता। मतलब सपोज पहला फोर्स है 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है 50 न्यूटन का, तो इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट 25 न्यूटन आ सकता है, 25 से आगे नहीं जा सकता। तो ये क्या करना है, कुछ स्टूडेंट को ये आंसर रॉन्ग दिया गया है तो ये करेक्ट लेना है। तो इसके 4 मार्क्स आपको क्या करने हैं, ऐड करने हैं 4 मार्क्स। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू फैक्टर्स टू फोर्सेस कैन नॉट एक्सीड अल्जेब्रिक सम, 10 और 15 का रिजल्टेंट 25 से ज्यादा नहीं आ सकता, मैक्सिमम 25 आ सकता है, 22। पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू आर बार,
then R may be less than P or Q. Okay, so fourth answer आ जाएगा. R क्या रहेगा? P plus Q से equal रहेगा या फिर उससे कम रहेगा? उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता. तो always greater than, this is incorrect. Equal to, always equal to रहेगा क्या? May be equal to ऐसा अगर दिया जाता तो second option भी correct आ सकता था. May be equal to. तो second आता था. Always दिया है इसलिए ये incorrect है. ठीक है? Never equal to हो सकता है. ओके, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हैं, तो डायरेक्टली रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर का एडिशन हो सकता है डायरेक्टली. सो 22 का फोर्थ आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कार मेक्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट 200 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. कौन सा क्वेश्चन? ट्वेंटी टू में फर्स्ट तो रॉन्ग ही रहेगा ना. रिजल्टेंट ग्रेटर देन पी, ऑलवेज ग्रेटर देन पी रह सकता है क्या? ऑलवेज ग्रेटर देन पी नहीं रह सकता ना. अभी देखिए, सपोज पी 10 है एंड क्यू 5 है. पी 10 है एंड क्यू 5 है, तो इनका रिजल्टेंट कहां से कहां तक आ जाएगा? 5 से 15 तक आ जाएगा. तो रिजल्टेंट 5 रह सकता है ना, मतलब P से कम भी रह सकता है रिजल्टेंट. तो ऑलवेज ग्रेटर देन P ये तो नहीं रह सकता ना, ऐसा आप थिंक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है दो फोर्सेस, दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके सब्ट्रैक्शन से उनके एडिशन तक कहीं भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकता है. यहां पे ऑलवेज की जगह अगर मे बी होता, मे बी, तो वो आ सकता था. ऑलवेज नहीं, ऑलवेज बोला तो रॉन्ग हो जाएगा. 23. अ कार मेक्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट को क्या लिखूंगा मैं? 100 आई कैप लिखूंगा प्लस 200 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब जे कैप लिखूंगा. हाँ, ऑलवेज एंड मेबी का सब कुछ खेल है, करेक्ट. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका? मैग्नीट्यूड ऑफ 100 एंड 200, मतलब 100 स्क्वायर दैट इज 10,000 आ जाएगा, एंड 200 मतलब 40,000. तो यहां पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50,000. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 50,000. अभी 50,000 का स्क्वायर रूट मतलब ऐसा लिख सकता हूं मैं, 500 इंटू 10 रेस टू 2 लिख सकता हूं. ये दो जीरो को मैंने 100 किया है, तो 100 मतलब 10 रेस टू 2, तो रूट 500 इंटू 10 हो जाएगा. 10 रेस टू 2 का स्क्वायर रूट 10 रेस टू 1 आता है ना, 100 का स्क्वायर रूट 10 आता है. तो 500 जो है ना, 500 22 का स्क्वायर रहता है 484, 22 का, तो 22 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा. 22 से थोड़ा सा ऊपर इंटू 10 मतलब 220 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा. मतलब 220 से ऊपर मतलब फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन है. तो अभी इसका डायरेक्शन भी निकालते हैं. डायरेक्शन कैसे निकालेंगे देखिए. तो ये तो हो गया ईस्ट, ये तो हो गया नॉर्थ. इसको हम आई क्या बोलते हैं, इसको हम जे क्या बोलते हैं. तो अभी देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है 100 आई कैप है. 100 आई कैप मतलब यहां तक 100 आ जाएगा, 100 आई कैप. एंड 200 जे कैप मतलब इधर 200 जे कैप आ जाएगा. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जाएगा, 100 आई कैप 200 जे कैप, करेक्ट है ना? 100 आई कैप 200 जे कैप. तो यहां पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब कहां का एंगल होगा? नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब विथ ईस्ट एंगल लेना है, ये आपको पता होना चाहिए. तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ये एंगल हो गया विथ ईस्ट. सो टेन थीटा अभी निकाल के देखते हैं. टेन थीटा इज अपोजिट साइड, ये जितना है ना उतना ही ये होना चाहिए. 200 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट 100. तो ये डायग्राम ड्रॉ करके आपको सॉल्व करना है. तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे एंड टू टेन थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा.
tan theta is equal to 2, and therefore theta is tan inverse of 2 north of east. So this will be the correct answer. Okay. Both options are same. Actually, यहाँ पे थोड़ा सा ये east of north ऐसा होना चाहिए. Okay. तो first and second both are correct. 23. उसके बाद 24. Calculate direction of a bar plus b bar. तो ऊपर वाला जैसा example है ना, उसी तरह से ये solve करना है. अभी देखिए, a बार प्लस b बार मतलब दो वेक्टर का जस्ट एडिशन करना है. एडिशन कैसे करते हैं, i का i के साथ एडिशन, j का j के साथ एडिशन. एडिशन करके देखिए, 3i माइनस i मतलब कितना जाएगा, 2i आ जाएगा. माइनस 4j माइनस 4j मतलब माइनस 8j आ जाएगा. तो इसको मैं अभी ड्रॉ करके देखता हूं कैसा आ जाएगा. 2i मतलब ये एक्स एक्सिस मतलब आई कैप रहता है ना, एंड वाई एक्सिस मतलब जे कैप रहता है. इसको ड्रॉ करके देखता हूं. अभी एक्स एक्सिस पर कितना है, ये 2 है. एक्स एक्सिस पर 2 रहना चाहिए एंड वाई एक्सिस पर माइनस 8 होना चाहिए. माइनस 8 लाइक दिस, माइनस 8. तो ये जो वेक्टर है ना, तो इस तरह से रहेगा डायग्रामेटिकली. 2i माइनस 8j करेक्ट है. अभी इसका एंगल विथ एक्स एक्सिस बोला है, एक्स एक्सिस हमें एंगल निकालना है. तो इस वेक्टर का एक्स विथ एक्स एक्सिस मतलब ये एंगल आ जाएगा थीटा, करेक्ट है ना, ये एंगल आ जाएगा. तो यहां पे अभी टेन थीटा निकालता हूं मैं. टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड कितना है, 8 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड कितना है, 2 है. तो 8 बाय 2 मतलब 4 बाय 1 या फिर 4 आ जाएगा. ये फोर, सो थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ फोर्स, टेन इनवर्स ऑफ 4. तो टेन इनवर्स ऑफ 4 आंसर आ जाएगा. अभी देखिए, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर एंड क्लॉकवाइज मतलब नीचे. तो यहां पे वेक्टर जो दिख रहा है हमें वो नीचे दिख रहा है ना, क्लॉकवाइज दिख रहा है. And therefore, clockwise will be the answer. Tan inverse of force with positive x-axis. X positive x-axis के साथ रहेगा ये. So answer first ही आ जाएगा. Any doubt in this case? बहुत simple question है, देखिए. Next, number 25. Two vectors are given by 2i plus j minus 3k and b bar is equal to 5i plus 3j minus 2k. If 3a bar plus 2b bar plus c bar is equal to 0, then third vector c bar is, third vector c bar निकालना है हमें. तो यहां पे दिया गया है कि 3a bar plus 2b bar प्लस सी बार इज इक्वल टू 0 दिया गया है. तो यहां पे सी बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी बार इज इक्वल टू ये दोनों को आरएचएस को लेके जाता हूं, माइनस 3a बार एंड माइनस 2b बार हो जाएगा, करेक्ट है ना, क्योंकि सी बार निकालना है हमें. तो इन दोनों को राइट हैंड साइड को लेना पड़ेगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा. अभी यहां पे डायरेक्टली क्या करता हूं, a बार और p बार यहां पे प्लेस करता हूं. तो a बार है माइनस 2i प्लस j माइनस 3k है, माइनस 2 b बार कितना है, 5i प्लस 3j माइनस 2k है, करेक्ट है. अभी माइनस 3 एंड माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करता हूं ब्रैकेट में, माइनस 3 इंटू माइनस 2, माइनस 3 इंटू माइनस 2 मतलब प्लस 6 आ जाएगा, प्लस 6 आई कैप. माइनस 3 इंटू इधर नहीं है मतलब 1 है, सो माइनस 3 इंटू 1 मतलब माइनस 3 जे कैप. उसके बाद माइनस 3 इंटू माइनस 3 मतलब प्लस 9 के कैप. उसके बाद माइनस 2 से यहां पे अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस 2 इंटू 5 मतलब माइनस 10
आई कैप माइनस टी माइनस टू इंटू थ्री मतलब माइनस सिक्स जे कैप एंड माइनस टू इंटू माइनस टू मतलब प्लस फोर के कैप. अभी क्या करूंगा, आई कैप के साथ एडिशन, जे कैप का जे कैप के साथ एडिशन एंड के कैप का के कैप के साथ एडिशन. ठीक है, सो सी बार इज इक्वल टू प्लस सिक्स माइनस टेन मतलब माइनस फोर आई कैप आ जाएगा. प्लस सिक्स माइनस टेन मतलब माइनस फोर, माइनस थ्री माइनस सिक्स मतलब माइनस नाइन जे कैप. ठीक है, एंड उसके बाद नाइन प्लस फोर मुझे प्लस थर्टीन के कैप आ जाएगा यहां पे. तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. सो सॉफ्टवेयर ने कुछ गलत आंसर दे दिया था, सो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आता है. तो इसके भी जिसके मार्क बढ़ते हैं वो बढ़ा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अ कार वेइंग 100 केजी इज ऑन ए स्लोप दैट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री है. एक्चुअली यहां पे 30 डिग्री लेना है, 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. द कंपोनेंट ऑफ कार्स वेट पैरेलल टू स्लोप. देखिए यहां पे एक ऐसा इस तरह से एक स्लोप है एंड वहां पे क्या है, ये स्लोप कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का स्लोप है. एंड यहां पे एक कार है, दिस इज कार. सो इसका 100 केजी मास है, इसका मास सपोज कितना है, यम है. इसका मास कितना है, यम है. तो वेट हो जाएगा यम जी, वेट हो जाएगा कितना, यम जी. तो यहां पे देखिए अभी इसका कंपाउंड आ जाएगा, अगर ये एंगल 30 रहता है ना तो ये भी एंगल 30 रहता है. दिस टू आर पैरेलल साइड्स एंड दिस इज द इंटरसेक्टिंग साइड. तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा इधर का एंगल 60 हो जाएगा एंड ये आ जाएगा एम जी कॉस 60 आ जाएगा. सो कंपोनेंट्स ऑफ कार्स वेट पैरेलल टू स्लोप. पैरेलल टू स्लोप कितना आ जाएगा, एम जी कॉस 60 आ जाएगा, एम जी कॉस 60. तो एम जी कितना है, एम कितना है, 100 है. जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 लेना है एंड कॉस 60 मतलब हाफ लेना है एंड देयर फोर 1000 बाई 2 मतलब 500 विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27. अभी क्वेश्चन नंबर 27 में दिया क्या दिया है, देखिए एंगल मेड बाय वेक्टर विथ एक्स एक्सिस. तो यहां पे एंगल मेड बाय अ वेक्टर विथ एक्स एक्सिस मतलब क्या लेना है, कॉस डायरेक्टली कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाय ए करना है. ठीक है ना, किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो ए एक्स बाय ए, वाई एक्सिस के एंगल वाई एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो ए वाई बाय ए करना है एंड जेड एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो ए जेड बाय ए करना है. उसको ही डायरेक्शनल कोसाइन बोलते हैं ना. तो यहाँ पे ए एक्स कितना है, रूट थ्री है एंड ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा. इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, रूट ऑफ नाइन प्लस वन, सॉरी नाइन प्लस वन नहीं, थ्री प्लस, सॉरी रूट थ्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा एंड वन का स्क्वायर वन आ जाएगा. सो रूट फोर मतलब टू आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड. सो रूट थ्री बाय टू. अभी हमें पता है कि कॉस थर्टी रहता है रूट थ्री बाय टू, कॉस थर्टी. तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री. 30 डिग्री मतलब पाई बाय सिक्स होना चाहिए, पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स. 30 डिग्री मतलब पाई बाय सिक्स होना चाहिए.
है. उसके बाद ए बर्ड मूव इन सच ए वे दैट इट हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट मतलब 12 आई कैप लिखूंगा. 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब 5 जे कैप लिखूंगा. एंड 9 मीटर वर्टिकली अपवर्ड मतलब प्लस 9 के कैप लिखूंगा. मैंने ऑलरेडी बताया है ईस्ट के लिए आई कैप ले लो, नॉर्थ के लिए जे कैप ले लो, एंड अपवर्ड के लिए के कैप लेना है. तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 प्लस 81. तो स्क्वायर रूट में 144 प्लस 25 मतलब 169 होता है, प्लस 81 तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 250 हो जाएगा. रूट ऑफ 250 मतलब 25 इंटू 10 लिख सकता हूं मैं. सो 5√10 विल बी द डिस्प्लेसमेंट. सो आंसर सेकेंड इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर ए बार आर कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गैमा. हाँ, राइटिंग यूनिट्स इन इंटेजर टाइप क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. एक्चुअली क्वेश्चन कैसा दिया है उस पर डिपेंड रहता है. अगर क्वेश्चन में डॉट डॉट उसके बाद यूनिट लिखा है तो ओनली इंटेजर लिखना है. एंड मोस्टली यूनिट डॉट डॉट के बाद यूनिट मोस्टली रहता है. इंटेजर आपको ओनली वैल्यू ओनली आपको लिखना है वैल्यू. ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में मोस्टली वैल्यू ही होता है, वैल्यू ही लिखना है एक्चुअली. नेक्स्ट, डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आर कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर गिवन देन वेक्टर ए बार इज. अभी आपको पता है कॉस अल्फा क्या रहता है? ए एक्स बाय ए रहता है. कॉस बीटा क्या रहता है? ए वाई बाय ए रहता है. एंड कॉस गामा क्या रहता है? ए जेड बाय टी. इसको बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइंस. मतलब यहां पे कॉस अल्फा दिया है 4/5√2. 4/सिद्धेश मोरे वो करेक्ट कर सकते हैं. अगर यूनिट एंड वैल्यू आपका करेक्ट है ना तो आप वो करेक्ट ले लीजिए. ठीक है, उसके बाद कॉस बीटा ए वाई बाय ए है मतलब 1/√2 दिया गया है. एंड कॉस गामा इज 3/5√2. देखिए कॉस अल्फा ए एक्स बाय ए, कॉस बीटा ए वाई बाय ए, एंड कॉस गामा ए जेड बाय ए रहता है. तो कॉस अल्फा का वैल्यू दिया है 4/5√2, कॉस बीटा का वैल्यू दिया है 1/√2, एंड कॉस गामा का वैल्यू दिया है 3/5√2. अभी देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए 5√2, √2 एंड 5√2. अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है डिनोमिनेटर पे ए ए एंड ए है, तो डिनोमिनेटर सभी जगह सेम ही होना चाहिए. डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सभी जगह ए मतलब सेम होना चाहिए. यहाँ पे 5√2 है, यहाँ पे 5√2 है, तो यहाँ पे भी मैं 5√2 करूंगा. तो 5√2 करने के बाद इधर 5 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 किया, डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अभी तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया. अगर अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ए एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? फिर 4 आ जाएगा ए एक्स. उसके बाद ए वाई कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा. एंड ए जेड कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. ओनली कंपैरिजन करना है. एंड ए बार कैसे लिखते हैं? ए एक्स आई कैप मतलब 4 i कैप प्लस ए वाई जे कैप मतलब 5 j कैप प्लस ए जेड के कैप मतलब 3 k कैप. सो 4 i प्लस 5 j प्लस 3 k, दैट विल बी द आंसर. सेकंड आंसर विल बी द करेक्ट. उसके लिए पहले डिनोमिनेटर सेम करो. ठीक है,
सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर ऑफ द फिजिक्स. नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग प्रॉब्लम जो है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है.